हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू फैशनिस्टा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फुल स्टिचिंग कैसे करनी है। हमने कंधी तो जोड़ ली थी, ठीक है, हमारा पार्ट थर्ड है। तो इसमें हमें क्या करनी है, मैं आपको माप बताऊँगी कैसे लेना है, मतलब नाप। तो देखिए, बीच में पहले हमने एक लाइन खींच लेनी है जिससे हमें सेंटर पता चल जाए क्या है। हमारा सेंटर यहाँ पर लाइन से पता चल रहा है वैसे खुद से, क्योंकि मुड़ा हुआ था। देन हमें सबसे पहले ऊपर जो हमारा जस्ट उसके कंधी के बगल में चेस्ट का साइज होता है, हम कंधी के बगल में चेस्ट का लेते हैं। एंड देन हमारी कमर ले रखी है, फिर देख सकते हो हमने अपना वो हिप ले रखा है। तो कमर हमारा 13 पे ले रखा है और हिप हमने 19 पे ले रखा है, क्योंकि हमारे कस्टमर का साइज ही वैसा है। देन देखो, मैंने ये सिल लिया है और इस साइड से भी सिल लिया है, देख सकते हो हमने डबल सिलाई मार रखी है। उसके बाद हम जो नीचे वाला है, हमें नीचे इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें चाक बनाना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसको फोल्ड करना कैसे है, मैं इसको आपको दिखाऊंगी प्रॉपरली कैसे फोल्ड करना है। ओके, देखो गाइस, मैंने अभी उल्टा कर दिया है पहले तो सूट को, और ये मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं कर रखी है, सिर्फ मैंने अभी तक इसको फोल्ड करके रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप सोचो कि मैंने सिल दिया है, मैंने इसको इतने अच्छे से कैसे किया है इस आयरन की वजह से, हमने आयरन किया है इसके ऊपर तो ये बहुत अच्छे से हो गया। देन सीधा कर लिया, अब दिखाती हूँ मैंने सिल लिया है इसमें। देखो, ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर रखी है, अभी मुड़ गया अच्छे से, सिलाई हो गई है। देन इसका बॉर्डर बहुत प्रिटी है ना। अब हम देखते हैं इसका वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, बाजू लगाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारी बाजू है, मैंने सोचा बाजू पर थोड़ा सा डिज़ाइन क्या देना नॉर्मल सूट, क्योंकि सूट में कढ़ाई हो रखी थी, इसलिए हमने सोचा ना कि बाजू पर साइड से पट्टी लगा देते हैं। मैंने पतली 1 इंच की पट्टी काट रखी है, हमने पट्टी लगा ली इसके अंदर। हमने पहले पीछे से लगाना है, ठीक है, या उल्टी साइड पर लगाएंगे एंड देन उसको हम आगे कर लेंगे, उसको हम आगे मोड़ के सिल लेंगे। देखो, ये आगे आने के बाद ये पतला लुक आ रहा है, अच्छा लगता है ऐसा देखने में, कॉन्ट्रास्ट भी हो जाता है पैंट के साथ, पैंट के कलर पर, ठीक है। उसके बाद फिर अभी कंप्लीट हो गया, देखो मैंने बाजू लगा ली। मैं बाजू लगाते वक्त वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, इसमें मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसको बनाया किस तरीके से। तो बाजू लगा लेंगे, हमारा ही कंप्लीट हो चुका है, इधर से ही बाजू, आप इसे प्रेस मार लेना, अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमारा सूट कंप्लीट हो गया। पैंट देखते हैं, पैंट वो हमारा इस साइड हमारा फ्रंट का है, उस साइड हमारा बैक का है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा छोटा है, मतलब कि पतला था वो थोड़ा चौड़ा है। तो हम दोनों को जो ये आसन वाला है ना साइड, इसको सिल लेंगे ऐसे जैसे मैंने निशान बताया है, मैंने सिल लिया। अब दोनों को ऊपर नीचे रख रखा है, अब आपको करना क्या, देखो मैंने अच्छे से रख के दिखाया है, इसको ऐसे साइड से सिलना है, उस साइड से भी सिलना है, और मतलब चारों साइड में सिलाई करनी है। पर याद रखना ये सीधा रख रखा है मैंने, सिलाई में उल्टी साइड पर करनी है। चलो सिल लेते हैं, सिल लिया, फाइनल लुक देख सकते हो आप कैसा है। फाइनल लुक नहीं, मैंने इसको बेल्ट लगा रखी है, बेल्ट लगाना रह गया है, मैंने मोड़ लिया इसको भी प्रेस से, आपको बेल्ट लगा लेंगे। देखो, मैंने नीचे डिज़ाइन के लिए ना लेसेस ले रखी, समोसे वाली लेस आजकल बहुत चलती है वो, और मेरे पास एक गोल्डन लेस भी था तो मैंने वो डाल दिया, जिसका थोड़ा सूट से कॉम्बिनेशन मैच खा रहा था, जिससे अच्छा लगे। एंड हमारा बेल्ट रह रखा है, मैंने जेब भी लगा रखी है देख सकते हो, क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि हमें जेब चाहिए। ओके, अभी हमारा फाइनल लुक है, बेल्ट वेल्ट लग के। आई होप आपको पसंद आएगा, कुछ भी लगाना आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, ठीक है।